हाय, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लिच इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं एंड योर माइंड विल बी ब्लोन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली इजी. और इसको इंग्लिश में, इन ऑर्डर टू फॉलो इट इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द कैप्शंस बटन बिलो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्लिच इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं प्रीमियर प्रो पे की वीडियो को. सबसे पहले हम क्लिप डालेंगे अपनी टाइमलाइन पे और मैं उसकी ऑडियो डिलीट कर दूंगी लेयर को अनलिंक करके. एंड हम जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें ग्लिच चाहिए. सो दिस इज़ वेयर आई वांट ग्लिच. इफेक्ट्स पैनल पे जाके वी आर ग्लिच ढूंढेंगे हम और इसको अपनी क्लिप में अप्लाई कर देंगे. एंड बेसिकली दैट्स ऑल वी हैव टू डू. हम अपने इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके मास्टर एम्पलीट्यूड से देखेंगे अगर हिला के, तो यू वुड सी एग्जैक्टली कि चेंजेस आपकी राइट हैंड साइड पे हो रही होंगे, आपके क्लिप के ऊपर चेंजेस हो रही होंगे. सो वी विल ओपन दैट प्रॉपर्टी मास्टर एम्पलीट्यूड के नीचे और हम ढूंढेंगे डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्सिटी जो कि अभी 40 पे है. इसको हम 1 कर देंगे. सो जब हम उसको 1 करेंगे तो हम देखेंगे क्लिप के ऊपर के कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी मगर RGB कलर्स फैले हुए होंगे. नाउ वी हैव टू मेक की फ्रेम्स. तो मास्टर एम्पलीट्यूड के ऊपर आपने वो जो आपका स्टॉप वॉच का आइकन, उस पर क्लिक किया, देन यू विल मेक की फ्रेम. और बेसिकली आप 2-3 की फ्रेम्स बनाएंगे और मास्टर एम्पलीट्यूड की सेटिंग्स चेंज करेंगे. तो मैं 100 रखूँगी, फिर एक दो फ्रेम्स आगे जाके की फ्रेम बनाऊँगी, 0 कर दूँगी. और सिमिलरली एक दो की फ्रेम आगे जाके 100 कर दूँगी. और फिर आई एडजस्टेड ऑन माई टाइम लाइन जूम करके. और जो मैंने ये की फ्रेम्स बनाए हैं मास्टर एम्पलीट्यूड के, आई विल गो ऊपर स्केल और पोजीशन. इन्हीं की फ्रेम्स के ऊपर मैंने चेंज करने हैं थोड़े थोड़े ताकि प्रॉपर ग्लिच इफेक्ट आए. अभी जो है हिल नहीं रहा फ्रेम, तो मुझे फ्रेम हिलाने के लिए पोजीशन पे और स्केल पे की फ्रेम बनाना पड़ेगा. तो स्टॉप वॉच के आइकन को बनाया, की फ्रेम के आइकन को सिलेक्ट किया और रैंडमली आई विल चेंज दीज नंबर्स. मेरे साइड पे मेरी क्लिप भी आ रही है, सो यू नो द वे आई फील दैट इट्स गुड नाउ. तो मैं उसको रैंडम चेंजेस करूँगी. एंड वंस आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ दीज चेंजेस, जितना ड्रास्टिक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो वंस आई एम डन विद ऑल दीज चेंजेस, मैं इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कॉपी कंट्रोल सी या कमांड सी ऑन मैक और पेस्ट कर दूँगी कंट्रोल वी या कमांड वी से. एंड दैट इज़ अबाउट इट. राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं. सो यू हैव, मतलब द ग्लिच इफेक्ट इज़ देयर नाउ. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ, जस्ट प्ले अराउंड पोजिशन से और स्केल से जिस तरह आपको अच्छा लगे और यू आर गुड टू गो. That's how easy it is. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबा दें एंड डू लीव अ कमेंट कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स किस हवाले से होने चाहिए इन Adobe Premiere Pro. Till then, bye.